आशीष कुलकर्णी। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि आशीष कुलकर्णी का एलिमिनेशन हो गया है इंडियन आइडल सीजन 12 से। बहुत ही जबरदस्त गाते थे वो, लेकिन वो आउट हो गए। और हम सबको ये भी पता है कि किस तरीके से षणमुख प्रिया के लिए लोगों ने ये बात बोल दी कि षणमुख प्रिया को क्यों रखा है अभी तक, राइट? और ये शो जो है स्क्रिप्टेड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बहुत सारी चीजें सामने आई। अब आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं दोस्तों कि आशीष कुलकर्णी और पवनदीप के लिए क्या बड़ा काम किया है आदित्य नारायण ने। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप लोग मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आशीष कुलकर्णी और साथ ही साथ पवनदीप राजन के लिए दोस्तों एक नया सॉन्ग कंपोज किया है। जी हाँ, बता दूं आपको तो आशीष कुलकर्णी के इस अनफॉर्चुनेट इविक्शन के बाद यहाँ पर आदित्य नारायण ने लिखा कि कुलकू मेरे भाई, यू नो आई हैव इमेंस लव फॉर यू एंड कंप्लीट फेथ इन योर एबिलिटीज। आई एम थ्रिल्ड टू बी रेंडरिंग योर फर्स्ट सॉन्ग एज अ कंपोजर अलोंग विद पवनदीप राजन। और बहुत सारा म्यूजिक बनाना है मेरे बनाना है साथ में। कीप ड्रीमिंग, बिलीविंग एंड अचीविंग। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये नोट जो है, ये स्पेशली नोट जो है, ये आदित्य नारायण ने दिया है। और आदित्य नारायण कह रहे हैं कि पहला सॉन्ग आएगा। वैसे पवनदीप का तो ऑलरेडी आ ही चुका है दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हिमेश रेशमिया के साथ, और अरुणिता कांजीलाल भी हैं, और इससे पहले उनको बहुत सारा काम मिला है। अब देखना ये मजेदार रहेगा कि आशीष कुलकर्णी और पवनदीप, जो कि काफी हिट जोड़ी थी अगर बात की जाए तो वो क्या खास करते हैं। आई एम रियली एक्साइटेड। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूज। मुझे इजाजत दीजिए।